हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाने की बात की जा रही है। तो याद रखिए, इससे आपका प्रीलिम्स में भी तो क्वेश्चंस बनेगा ही, साथ में हो सकता है कि मेंस में भी आपका इस तरह का क्वेश्चंस बन जाए। क्योंकि हम देखते थे कि इनकी जो ट्रांसजेंडर हुआ करते थे, इनकी कई तरह की समस्याएं हुआ करती थी। तो इससे आपको क्वेश्चंस बनने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय परिषद के बारे में। जो भी आपके सवाल होंगे, लगभग लगभग सभी के जवाब इसमें हम लोग ढूंढने की बात करेंगे। हाल ही में देखा है आपने कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन NCT का गठन किया गया है। NCT का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। तो याद रखिए, जो ये परिषद बनाई जा रही है, किस अधिनियम के तहत बनाई जा रही है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसका गठन किया जा रहा है। इस अधिनियम ने में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक तरह से सामाजिक भेदभाव भी किया जाता है, आर्थिक भेदभाव भी किया जाता है, शैक्षिक यानी कि शैक्षिक शिक्षा में भी ये लोग पिछड़े रहते हैं। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। पहले, आज से कुछ सालों पहले, आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते थे या कुछ तरह की इस तरह की जानकारी प्राप्त करते थे, तो उसमें तीसरा ट्रांसजेंडर यानी कि नहीं, इसमें थर्ड जेंडर नहीं दिया जाता था, फीमेल और मेल ऑप्शन आता था आपका। लेकिन अब आप देखेंगे कि हर जगह तीसरा जेंडर भी आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2015 में, सॉरी 2014 में एक निजी सदस्य विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। और वर्ष 2019 में संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित हुआ। कब? 2019 में। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि आखिर होते कौन है ट्रांसजेंडर, इनकी परिभाषा एक तरह से क्या है। तो एक सीधी सी बात याद रखिए इनकी परिभाषा को आप लोग। अधिनियम एक ट्रांसजेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि वो ना तो महिला यानी कि ना तो फीमेल रहता है और ना ही पुरुष, इस तरह की उसकी मतलब समानता नहीं रहती। उन लोगों को हम लोग ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। पहचान का प्रमाण पत्र की बात करें तो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन कर सकता है। किससे इसे प्राप्त होगा इस तरह का प्रमाण पत्र? जिला मजिस्ट्रेट से। भेदभाव के खिलाफ प्रतिबंध की बात करूं तो अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या फिर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है। इनके अधिकारों की बात करें अधिनियम 2019 के तहत, तो सार्वजनिक संपत्ति तक समान पहुंच, सुविधाओं और अवसरों की समान उपलब्धता, घूमने का अधिकार, निवास करने, किराए पर आवास लेने या संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार इन्हें है, सार्वजनिक या निजी कार्यालयों में काम करने का समान अवसर भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिल गया है अधिनियम के तहत। स्वास्थ्य देखभाल, अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग पुनर्निधारण सर्जरी सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार देता है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं उपलब्ध कराएगी। याद रखिए, आप लोग जानते हैं कि इस तरह के जो भी ट्रांसजेंडर हुआ करते थे, उनके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था। उन्हें एक तरह से आप समझिए कि समाज से अलग माना जाता था, उनसे भेदभाव हर तरह का किया जाता था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिषद की। तो यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, जो अभी आपने देखी है। सजा का प्रावधान की बात करें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने पर जुर्माना के अलावा 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है।
आप अगर इस तरह का कोई भेदभाव करते हैं, उनके साथ खिलाफ कोई अपराध करते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ में 6 महीने से 2 साल तक की कारावास भी हो सकती है। समझ रहे हैं? अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस परिषद से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बन सकता है। तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष हो गए। ट्रांसजेंडर जो परिषद बनाई जाएगी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, एक आप देखते हैं कैबिनेट में और दूसरे राज्य मंत्री रहते हैं, तो कैबिनेट के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। और उपाध्यक्ष में आप देखेंगे राज्य मंत्री होते हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। पदेन सदस्यों की बात करें इसमें, अगर सदेन कौन कौन होंगे सदस्य? परिषद के सदस्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, याद रखिए पदेन सदस्य होंगे इसमें। अब बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की, तो परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय से 5 मनोनीत सदस्य भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि जिनके लिए इस तरह की परिषद का गठन किया जा रहा है तो उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए ना इसमें। तो इस परिषद में आप देखेंगे कि 5 मनोनीत सदस्य होंगे, ये सभी ट्रांसजेंडर समुदाय से होंगे। प्रतिनिधि रोटेशन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत किए जाएंगे। समुदाय के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कितने साल तक? 3 वर्ष का होगा इन सदस्यों का कार्यकाल। अब बात करते हैं परिषद के उद्देश्य की, आखिर किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया है? तो राज्यों के साथ मिलकर सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की दिशा में कार्य करना, ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं जैसे आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा जैसी जरूरतों का पूरा करना। आज भी आप देखते होंगे कि इन्हें किराए पर मकान देने से भी लोग एक तरह से भेदभाव करते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह की सभी इसके तहत बात की जाए। अब बात करते हैं परिषद के कार्य क्या होंगे, यानी कि इस परिषद जो बनाई जा रही है इसके कार्य क्या होंगे। तो इसके कार्य होंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करने और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने की दिशा में निर्मित नीतियों कार्यक्रमों के प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले संबंधित सरकारी विभागों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अन्य कार्य करना, ये सभी इस परिषद के कार्य होंगे। ठीक है, याद रखिए ना। तो इसमें लास्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष आने वाले मुद्दों की पहचान करने और तदनुसार सरकार को सलाह देने में परिषद सक्षम है या नहीं, इसका निर्धारण परिषद की कार्य प्रणाली को देखने के बाद ही किया जा सकेगा। यानी कि अभी इसका गठन किया गया है, आगे इसके कार्यों पर देखते हैं कि ये सक्षम होती है या नहीं होती है। नीतियों और नियमों के अलावा विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों के प्रति कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता भी है। तो ये कहानी थी आपकी जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाई गई है उसकी। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना पूरी रहती है। तो इनके जो भी परिषद की संरचना है इसके बारे में भी याद रखिए और इसके कार्यों के बारे में भी याद रखिए और सामान्य जानकारी जो दी गई है, परिभाषा हो गई, बाकी इस तरह के जो भी अधिनियम है 2019 का, उसे भी याद रखिए। ठीक है।